गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे सभी को। तो ये है सुबह सुबह, सुबह सुबह मतलब 6 जुलाई है, दिन है सैटरडे। रोजाशी स्कूल जा चुकी है, अपना टिफिन ले लेके, आज उनका लास्ट डे है यहाँ पे, टीसी वगैरह हो गई है। तो सुबह से आज मैं काम पे लग गई हूँ बिल्कुल, क्योंकि आज लास्ट दिन है और कल पैकिंग मतलब ट्रक आ जाएगा हमारा, तो काम पे ही लग गई हूँ। ये राधे कृष्ण मुझे यहाँ पे छोड़ के जाने पड़ेंगे, मेरे फेवरेट। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहले बता देती हूँ, तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डॉक्टर पंकज शुक्ला ऑफिशियल, और मेरे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए अगर फेसबुक पे देख रहे हैं। तो बता रही थी मैं कि ये मुझे यहाँ पे छोड़ के जाने पड़ेंगे, क्योंकि ना इसको निकाल लेती तो वो दीवार निकल रही है, तो निकालूंगी पूरी दीवार ख़राब हो जाएगी। मान लो मैं चाहती हूँ इस क्वार्टर को कोई ले ले, मतलब मेरे दिल से इच्छा है, आई डोंट नो लेंगे कि नहीं लेंगे, वो इतना प्यार से सजाया है इसको ना, इतनी अच्छी पेंटिंग वेंटिंग कराई है, किचन ठीक करवाया है, तो लगता है कि नहीं कोई ले ले। तो इसको फिलहाल यहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उखाड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, दीवार भी ख़राब हो जाएगी और वहाँ लगा भी नहीं सकते, क्योंकि वो न्यू फ्लैट है, तो जिनका फ्लैट है भाई कोई भी नहीं करता है, परमिशन नहीं देता है। तो मैं ऐसे ही दूसरे ले लूँगी, इनकी फ़ोटो लेके रख लेती हूँ, तो इनको यहीं छोड़ना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें मैं साफ़ कर रही हूँ, पैकर्स कल पैक करेंगे, डस्ट पोछ पोछ के रख रही हूँ, सारे कर्टन्स निकाल दिए हैं, धूप तो नहीं निकाल रही पर पंखे में सुखा के ही ले जाऊँगी, लेकिन ले जाऊँगी, क्योंकि गंदी चीज़ें ले जाने का मन नहीं कर रहा था। तो सारा सोफ़ा कवर निकाल दिया है मैंने, और सारे ही देखिए धुल के कपड़े सब में आराम से हवा लगा के मैंने सुखा लिया है, रैक अंदर कर लिया था, तो सब तब कपड़े तहा रही हूँ, सब ऐसे ही या तो गत्ता जो बनता है उनका उसमें पैक हो जाएगा, या फिर जैसे भी पैक होगा, तो सब चीज़ें हैं, ये सब वॉल से भी उतरेगा, एक करके पोछते पोछते मैं उतारूँगी। तो बस चल रहा है कार्यक्रम, किचन कल काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया, सारे डिब्बे पे साफ़ कर लिए, ताकि बस वहाँ पे लगाना रहे। बेडरूम में ज़्यादा सामान है नहीं, बस बेड है, तो वो पैकर्स पैक कर देंगे। पीछे वाले रूम में भी ज़्यादा सामान नहीं है, मेरा ज़्यादा सामान इधर है मेरा ज़्यादा सामान इस एरिया में ही है, जहाँ हॉल है वहाँ बच्चों के टॉयज हैं, मेरे प्रमोशन के बहुत लूज सामान बहुत ज़्यादा है, तो उनको ही मेन है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सामान तो पैक हो जाते हैं, अलमारियाँ हैं, कई तरह की अलमारियाँ हो गई, शोरैक मिला के। तो बस चल रहा है, कल पैकर सुबह से शुरू हो जाएंगे, बच्चे स्कूल चले गए तो हमारे पास काफ़ी टाइम हो गया, मतलब उनको क्योंकि फ्री हो गया टिफिन दे करके, और अपने लोगों के लिए सब्ज़ी पराठा कर लिया, दोपहर में दाल चावल चढ़ जाएगा। सब्ज़ी आज इन्होंने ही बनाई है, भुजिया इन्होंने हमने इनसे बोला कि आप तो तक सब्ज़ी काट दो भुजिया, और मैं तो ये काम कर लेती हूँ, तो इन्होंने सब्ज़ी छौंक भी दी, तो ये काम मेरा थोड़ा आसान हो गया है। आटा गूंथ के रखा हुआ है, बस हम लोग 10:30 पे नाश्ता कर लेंगे, अभी सिर्फ 8:30 बज रहे हैं, और मैंने काफ़ी काम निपटा लिया है, मशीन चला दी है, सारी चीज़ें उतार ली हैं, काफ़ी काम कर लिया क्योंकि जल्दी उठ गई थी। तो बस चल रहा है, सोचा आपको एक अपडेट दे देती हूँ, देती रहूँगी अपडेट क्या क्या हो रहा है। सब चीज़ तो नहीं दिखा पाऊँगी, काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो जो मेन मेन है वो दिखाती रहूँगी आपको। देखिए सारी अलमारियाँ खाली हो चुकी हैं, सब हटा दिया मैंने, ये भी रह गया, भूल गया, देखो ये भी पोछ दिया उतार के वापस, तो यहाँ मैंने रख लिया है सब कुछ पोछ पोछ के, बुक्स तुरंत रखा जाएंगी, और ये रूम पूरा मेरा खाली हो गया, सोफा भी साफ़ हो गया साइड से, और सारे टेडीज़ मैंने यहाँ रख लिए, धुले हुए टेडीज़ हैं मेरे, और सोफ़ा वगैरह साफ़ कर दिया है। तो बस पैकर्स आएंगे, फटाफट पैक करते जाएंगे, ये एरिया हो चुका है, और बस सबसे ख़तरनाक एरिया मेरा ये वाला, ख़तरनाक बोल रही हूँ क्योंकि क्या पता है मेरा प्रमोशन बहुत आते थे, प्रमोशन की वजह से छोटी छोटी चीज़ें हैं, यूट्यूब का प्रमोशन, फेसबुक है, तो काफ़ी चीज़ें कलेक्ट हो गई हैं, तो जो काम की होंगी रख लूँगी, जो एक्स्ट्रा होंगी वो मैं दे के चली जाऊँगी अपनी हेल्पर को, उनके भी काम आ जाएगा। तो बस यही सब मेन मेरा यही एरिया है ख़तरनाक वाला, और ये मेडिसिंस, बाकी तो सब अपने मतलब उसमें है, कंट्रोल में। और ये बर्तन देख सकते हैं, बर्तन अभी पड़े हुए हैं, पुष्पा आएगी तो धुलेगी इसको, आज उसका लास्ट दिन है, सब्जियां बना ली, आटा गूंथ के रख लिया है, ये किचन वगैरह सब चमका लिया है मैंने, ऊपर भी सारे डिब्बे साफ़ कर लिए हैं, ये बिखरा बिखरा सा है सब कुछ, बट एक एक करके सब होता जा रहा है, तो रिलैक्स होती जा रही है। अभी सुबह के सिर्फ और सिर्फ 9:30 बज रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, फटाफट हो जाएगा। रोज़ आशी आएंगी 2 बजे, तो
2 बजे तक तो मैं कितना काम निपटा लूँगी। अब नेक्स्ट है मेरा बॉक्स खोलूँगी, 2 बॉक्स हैं एक्स्ट्रा, तो अगर वो लगेगा ज़रूरत है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको यहाँ पर दे के चली जाऊँगी। पुष्पा की शादी है दिसंबर में, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी थी इकट्ठा करके, तो उस बॉक्स में उसको डाल के सोच रही हूँ दे दूँगी सब कुछ। होता है ना कि बेटी ऐसी है तो एक लगाव हो गया था उससे, और मैं पहले जा रही हूँ, वैसे था कि शायद वो पहले जाए लेकिन उसकी शादी है, तो वैसे भी अक्टूबर नवंबर में काम छोड़ने वाली थी, तो मुझे थोड़ा इस बात की खुशी है कि चलो उसका नुकसान नहीं हो रहा है। तो मुझसे जो भी होगा मैं देख के जाऊँगी, लेकिन ये सब मैं दिखाऊँगी नहीं, क्योंकि सब चीज़ें दिखाने के लिए नहीं होती हैं, वो तो मेरा अपना उसका पर्सनल है। तो बस वही सब मेन काम मेरा बॉक्स वाला रह गया है, और दीवान के कुछ कपड़े जो एक्स्ट्रा होंगे वहाँ पे, जिनको ज़रूरत होगी उनको दे के चली जाऊँगी, बाकी तो सब मेरा डन है, होता जाएगा, तो उतनी अब टेंशन अब नहीं, थोड़ा हेडेक कम हो गया है। तो बस ऐसे चल रहा है काम, लगातार चले जा रहा है चले जा रहा है, अपडेट आपको देते रहूँगी। देखिए पैंट सूख रहे हैं यहाँ पे पंखे में, लेकिन मैंने सुखा लिए, मैंने कर लिया, मुझे था कि नहीं होगा, लेकिन मैंने सारे पर्दे भी धुल दिए, अब उनको फैलाने जा रही हूँ, सूख जाएंगे कल सुबह तक। किचन ऊपर से तो पूरा क्लीन ही हो गया था मेरा, बस नीचे का ये पोर्शन थोड़े डब्बे बचे हुए थे, तो इनको लास्ट टाइम मैं पोछ रही हूँ अच्छे से, सब वैसे साफ़ ही था मेरा, पर उसको एक बार फाइनली पोछ रही हूँ ताकि जब वहाँ निकले ना बिल्कुल चमकता रहे, बस मुझे लगाना रहे। तो यहाँ मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया, किचन के डिब्बे जितने भी बचे हुए थे सारा कुछ साफ़ कर लिया बहुत अच्छे से, और नीचे को स्लैब भी साफ़ कर दिया ताकि कोई आता है या छोड़ती हुई हो तो साफ़ करके छोड़ूँ, गंदा क्यों छोड़ूँ। तो सारा चीज़ मैंने यहाँ चेक कर लिया, देख लिया और सब कुछ एकदम क्लीन कर दिया किचन, तो यहाँ मेरा किचन साफ़ हो गया बिल्कुल। हाय, शक्ल से पता चल रहा होगा मेरी हालत का, बहुत काम निपटा लिया और शूट बहुत कम किया है, इतना काम है ना कि शूट के चक्कर में पड़ूंगी तो नहीं हो पाएगा। जैसे लग रहा है घर में दिवाली की सफाई हो रही है, इतना चमका दिया है मैंने, सारा कुछ निकाल दिया, आपको दिखाया ही था, और ये देखिए मेरे सारे पर्दे धुल के सूख दिए हैं। और अभी का मौसम दिखाती हूँ, का मौसम ये है हमारे यहाँ, बिजली कड़की बहुत तेज़, कुछ कुछ सोफा वगैरह बाकी है सूखने के लिए, तो मौसम चल रहा है कुछ मन का बुरका, दोपहर तक थोड़ी ठीक रहता है, फिर उसके बाद इतनी बारिश है, लेकिन मैं अपने जो मैंने किया था कि मैं करके रहूँगी मैंने कर लिया, ज़िद्दी हूँ ना, धुल धुल के मैंने ऐसे पूरा इसमें सुखा सुखा के सारा काम चला लिया, इतने सारे कपड़े तहा के रख लिए, अब इसको या तो डायरेक्ट वही लोग रख लेंगे या बैग में डाल दूँगी किसी, तो मतलब सारा मैंने कर लिया है। और मैं दिखाती हूँ अपना किचन, सारा डिब्बे चमका चमका के, ये चमका के, ये सब करके धुल धुल के ये पूरा मैंने क्लीन कर दिया, निकाल दिया है, सिर्फ उनको पैकिंग करनी है। ये पूरा रैक और यहाँ का पूरा एक एरिया है मेरा, ये देखिए कर चुकी हूँ किचन में, बस ये सिंक के बर्तन बचे हैं, क्योंकि जो हेल्पर है मेरी उसकी मैंने आज छुट्टी कर दी है, सिर्फ बर्तन ही धुलवा ही रही थी, बाकी तो मैं खुद कर रही थी इस समय, और उसको जो भी देना है अगर उसके लिए बुलाया, बट काम के लिए नहीं बुलाऊंगी। तो ये पूरा काम हो चुका है मेरा, ये एरिया भी हो गया, ये सारा एरिया मैंने क्लीन कर लिया, सो इसमें डाल दिया, ये सारा एरिया क्लीन कर लिया, बचा है मेरा अब ये टेंपल मंदिर बचा है, और ये मेडिकल स्टोर, तो मेडिकल स्टोर में बस पोछ पोछ के वो लोग पैक कर देंगे, और मंदिर मैं अच्छे से साफ़ करके पैक करूँगी, क्योंकि मैं मंदिर उनके हवाले नहीं करूँगी, अपने ही हाथ से क्लीन करना पसंद करूँगी। और ये रूम भी पूरा हो चुका है क्लीन, बच्चे भी लेटे हुए हैं, सो गए शायद रोज़ में, हाँ सो गए। ये रैक बाकी है और उसके अंदर थोड़ा देखना है, बाकी तो वो सब सामान ऐसे रखा जाएगा। और हाँ बेटा आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन आएंगे वो तुरंत तुरंत सब उखाड़े पखाड़ेंगे और हो जाएगा। ये रूम तो मेरा खाली हो चुका है, इसको बस पैक कर लेंगे वो लोग, इसको पैक कर लेंगे, इसको पैक कर लेंगे, तो हो जाएगा। जैसे वो ना आगे पैक करना शुरू किया, तो ये जो भी एक्स्ट्रा सामान मैं नीचे उतार लूँगी, तो और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बाथरूम का सारा सामान मैंने धुल धुल के सारा बाल्टी भर लिया, बस बचा है वो टब जिसमें अभी मुझे नहाना है, और सब कुछ भर लिया, ये मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ, पुराना हो गया है ना बस, और टूथब्रश उतने निकाल लिए हैं, बाकी सब पैक है, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं या तो दे के जा रही हूँ, कबाड़ी में बेच तो पाएंगे नहीं हम लोग, बगल में रख के चले जाएंगे, कबाड़ी अपना बेच के मौज करेगा तो बस ऐसे चल रहा है मेरा काम। शाम को एक जगह डिनर पे भी जाना है यादव सर के यहाँ, और उन्होंने बुलाया हुआ है, उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, और अगर मौका लगा तो वहाँ पे शूट कर लूँगी। थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है मुझे, जैसे कि किसी की प्राइवेसी भंग करने में, तो जैसे अनीता मैम है तो उनको पसंद है, उन्होंने खुद परमिशन दी थी, तो अगर सर के यहाँ सब लोग कंफर्टेबल रहे तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। मैं किसी के कंफर्ट जोन से बाहर जाके
कभी शूट नहीं करती हूँ, मतलब मेरा है कि मैं परमिशन लेती हूँ तभी मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, इसलिए आपको मेरे ब्लॉग्स कहीं और नहीं दिखते। इन्फ्लुएंसर्स के घर में देखेंगे क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स तो वीडियोस बनाते ही हैं, किसी और क्या मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं इलाहाबाद में भी कई लोगों से मिली पर ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि सब लोग नहीं चाहते हैं कि ब्लॉग में आए। तो सबकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखना चाहिए और मैं इस बात को मानती हूँ, चाहे आप रील बना रहे हो चाहे आप ब्लॉग्स बना रहे हो, बिना किसी की परमिशन के उसका फेस नहीं लेना चाहिए, फेस रिवील नहीं करना चाहिए। मैं जब भी करती हूँ, मैंने एक बार बहुत पहले दिया बेचती हैं एक आंटी, उनको पूछ के ही वीडियो बनाया था, तो नहीं, जो कंफर्टेबल नहीं है आप कुछ करो। मैंने आज तक कैमरा में पुष्पा को नहीं दिखाया है अपनी, जो मेरी हेल्पर है, क्योंकि भाई उसकी भी शादी होनी है, लड़की है, तो नहीं अच्छा लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें जो भी मेरी सुन रहा है, कि कभी भी रील या ब्लॉग बनाते वक्त ना किसी की बिना परमिशन के उसका फेस ना लें, ये अच्छा नहीं होता है, मॉरली एथिकली ये सही नहीं होता है। तो देखती हूँ सर क्या जाना है, अगर उनका मन हुआ तो हम लोग शूट कर लेंगे थोड़ा सा। और इतना थक गई हूँ ना, क्योंकि क्या है कि बहुत कम टाइम मिला मुझे, जैसे ही हमारा ये आया है कि ट्रांसफ़र हो गया, अगले ही दिन इनको रिलीव होना पड़ा, एक दिन छोड़ करके रिलीव, वहाँ के सर जल्दी आ गए, अदरवाइज़ अगर कुछ दिन रुकते ना तो मैं थोड़ा काम निपटा लेती, एक दिन बाद ये रिलीव हो गए। रिलीव होते ही इनको ज्वाइनिंग ज़रूरी थी, मुझे छोड़ के जाते ज्वाइन करने तो हम लोग यहाँ अकेले पड़ जाते, तो उन्होंने बोला साथ चलो, गए भागम भाग, तीन दिन सिर्फ मकान खोजना, गर्मी, थक गए और आए इतना लंबा सफ़र करके, और सिर्फ दो दिन का भीषण मौका, मुझे सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे मिला है, संडे कल ट्रक वाला आ जाएगा। तो इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा ही काम हो गया, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई, पर हो जाएगा, बस थोड़ा सा बचा है। 7 बजे के बाद सर क्या निकलेंगे, अगर तब तक इतना हो पाया ठीक है, वरना मैं लौट के करूँगी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने निपटा लिया है, जो भी काम बचा है ना वो रोजाशी का बच गया है, उनका उन्हीं का डॉल हाउस और उन्हीं का जो बुक रैक था, क्योंकि वो मुझे छूने नहीं देती हैं, कुछ भी इधर उधर हुआ ना उनकी एक छोटी सी पेंसिल भी तो बहुत शोर करती हैं, इस चक्कर में मैंने छोड़ दिया था। तो बहुत थक चुकी हूँ, अब चल रही हूँ, गिरती हूँ उस तरफ, अभी तो रोज़ सो गई है, तो मंदिर में कर लूँगी या मंदिर में नहा के अभी फिर करूँगी, देखती हूँ क्या करना है। तो ऐसे काम चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं, मैं ब्लॉग्स भी दे रही हूँ, साथ में रील्स भी डाल रही हूँ, क्योंकि आप सब ने रिक्वेस्ट की थी। और हाँ, कल मैं पैकिंग का वीडियो बनाऊँगी कि ऐसे वो पैक करते हैं, तो यहाँ मैंने जो काम किया ना, अगर मैं ये सब नहीं भी करती तो वो पैकर्स आके उतारते ही, पर मुझे क्या लगा सब में डस्ट आ जाती, तो चलो पोछ के ऐसे रख देते हैं, तो इसलिए मैंने अपना काम थोड़ा बढ़ा लिया, अदरवाइज़ वो करेंगे ही करेंगे। तो अगर आप चाहती हैं मूवर्स एंड पैकर्स से और काम नहीं करना चाहती तो हो जाएगा, पर मुझे लगा कि नहीं काम कर लूँ, चमका चमका के ले चलूँ, बस वहाँ पे लगाना रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से पैक के ले करके ले जाएंगे, खोलेंगे फटाफट लगा देंगे। तो इस चक्कर में मेरा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, थकान मेरे चेहरे पर दिख ही रही है, आवाज़ में भी दिख रही है। अब चल रही हूँ मैं, कुछ आशी खाने को मांग रही है, उसको फिर से भूख लग गई है, उसको कुछ खाने को देती हूँ, सिलेंडर हमारा चला गया है, इंडक्शन पे बनाना है, अभी देखती हूँ लाइट आ रही है कि नहीं, इंडक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा अब। और डिनर पे जाना है तो कोई टेंशन नहीं है, कल भी डिनर हमारा है फिक्स्ड, और कल लंच का है, देखते हैं कैसे क्या जुगाड़ होता है, मतलब है यहाँ पे, तो कहाँ से खाएंगे कल पता चलेगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, फिर नए ब्लॉग में मिलते हैं नई चीज़ों के साथ। शाम को सर क्या जाएंगे उसको मैं नए ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिस ना करें। थैंक यू, बाय बाय।